अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, लक्षणों और संकेतों के आधार पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जन्मांग में कौन सा ग्रह अशुभ परिणाम दे रहा है, बुरे फल दे रहा है, पीड़ित है, दूषित है, किसका फल कमजोर है। इस प्रकार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल हम ले चुके हैं, आज बारी है बुध ग्रह की। आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या संकेत हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी मैं लक्षण ना चूकूं, एक भी इसका संकेत ना चूकूं। बुध जिसकी कुंडली में कमजोर है या बुरे परिणाम दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, उसका सबसे बड़ा लक्षण है उसकी व्यक्ति की स्मृति क्षीण होना, अर्थात उसकी याददाश्त कमजोर होना। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होगी बहुत अधिक लेवल तक। किसी चीज को याद रखने में वो बहुत कमजोर होगा, नाम याद रखने में उसको बहुत परेशानी होगी, चेहरे फिर भी वो याद रख लेगा कि हाँ ये कहीं देखा हुआ है, लेकिन नाम याद नहीं आएगा उसको। नाम जो अक्षरों से अल्फाबेटिकली या लिटरल जो चीज़ें हैं, लिटरेली जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों में वो बहुत कमज़ोर होगा, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होगी। रास्ते याद करने में उसे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कहीं भी रास्ते भटक जाएगा, चाहे इस रास्ते से रोज जा रहा हो लेकिन अचानक दो राय पर आकर वो सोचने लगेगा कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, उसके खुद के शहर में उसको रास्ते याद नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा लक्षण बता रहा हूं मैं, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो बुध कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर है या बुरे परिणाम दे रहा है, उसका उपाय आपको करने चाहिए। अगला, ऐसा व्यक्ति मानसिक कामों से दूर रहने वाला होगा। दिमाग के काम, उसको चेस खेलना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। जिस काम में दिमाग लगता हो, पहेलियां या दिमागी काम, ऐसे कामों से ऐसा व्यक्ति दूर भागेगा, उसके बस का नहीं है। मानसिक कामों से वो दूर रहेगा। एक लेवल पे हम कहें तो अलग ही कहना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक डपोर शंख जिसको बोलते हैं ना, डपोर क्या बोलना उसको, मूर्खता की हद तक ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई साहित्य कलाओं से दूर रहेगा। ऐसा कला वाला कुछ नहीं होगा उसके पास, साहित्य संगीत कला भी नम साक्षात पशु पक्षी विषाण ही नम, इस प्रकार से खुद थोड़ा सा कलाओं का उसका साहित्य से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा, जिसका बुध कमजोर है। बहुत संगीत से उसका लेना देना नहीं होगा, साहित्य से पढ़ने लिखने से किताबों से दूरी बना के रखेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है किताबों से। तो इस प्रकार से आप मूर्ख समझ लीजिए, फिर तो मुर्गी बना है। साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम, साहित्य संगीत और कला से जो विहीन होता है ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में साक्षात बिना पहुंच के पशु के समान है। कौन? जिसका बुध कमजोर है। बुध अगर बहुत कमजोर हुआ तो साक्षात ये सारे लक्षण उसमें देखने को आपको मिलेंगे। तुतलाना, हकलाना, ऐसे व्यक्ति में वाणी के दोष अवश्य होंगे। तुतलाना, हकलाना, अटक अटक कर बोलना या किसी भी प्रकार का वाणी का दोष हो, मुंह के अंदर किसी प्रकार का दोष हो, गले से लेके मुंह तक इस प्रकार से कोई दोष हो, बोलने में जिसको परेशानी आती हो, या अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाता हो, अपने मन के विचारों को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति का बुध कमजोर है। गर्दन से लेकर कंधे तक के रोग ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं। गर्दन से लेकर कंधे तक के दर्द, यहाँ की नसों में, यहाँ की मसल पेन, बुध जिसका कमजोर है ऐसे व्यक्ति को होने की पूरी 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 संभावना है। बातों नहीं तो बहुत होगा, वाचाल बहुत होगा, लेकिन लिहाज का मारा होगा। लिहाज का मारा अर्थात किसी को नाराज नहीं करना चाहेगा ऐसा व्यक्ति, किसी को नाराज करने में उसे दिक्कत होगी। बुध बहुत प्रबल होता है तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, ये समझिए, स्पष्टवादी होता है, जो होता है मुंह पे बोलता है, इसका बुध स्ट्रांग होता है। लेकिन बुध अगर कमजोर होगा तो ऐसा व्यक्ति मुंह पे बात नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा बक 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 तो बहुत करेगा, बातूनी तो बहुत होगा, लेकिन काम की बात, जो बात कहनी चाहिए वो बात नहीं करेगा, अनर्गल प्रलाप करेगा, ये समझिए। जो हम देखते हैं ना कई बार लोग कि बिना वजह बोलते रहते हैं, जिन्हें बोलने की आदत होती है, जिसका कोई मतलब नहीं, तो प्रोफेसर भी बोलते हैं, लेक्चरर भी बोलते हैं, मैं भी बोल ही रहा हूँ यहाँ पर, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, लेकिन जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी, आज मैंने आलू की सब्जी खाई, अच्छा तुमने कौन सी की, अच्छा ठीक है आज मैं वहाँ गया था, मैंने लाल कपड़ा पहना, मैंने हरा कपड़ा पहना, देखो चांद कितने तारे के, उठपटांग, जहाँ कोई मौका नहीं, माहौल नहीं, उठपटांग से कुछ भी बकबक किया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसका बुध कमजोर है।
पित्त और कफ प्रकृति उसकी प्रधान होगी, पित्त और कफ प्रकृति के रोगों से वो उसका सामना उसे करना पड़ेगा, पित्त रोगों से, कफ प्रकृति से, नजला, जुकाम, एसिडिटी, इस प्रकार के रोग उसको होंगे। चर्म रोग भी कहीं कहीं केसेस में देखने में आए हैं, चर्म रोग भी उसको होने की संभावनाएं होती हैं जिसका बुध कमजोर है। ऐसे व्यक्ति के मित्र कम होंगे, क्योंकि बोलने में ऐसे व्यक्ति कमजोर होते हैं तो उनके मित्र भी बहुत नहीं बन पाते, बहुत अच्छे रिश्ते भी ये लोग नहीं संभाल पाते। जहां पे जो बोलना चाहिए वो बात नहीं बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो न तो मित्र बहुत ज्यादा होंगे न परिवार में इनकी बहुत बहुत इनकी पटेगी आपस में, परिवार में भी इनके विचार बहुत कम लोगों से मिलेंगे, विचार मिलेंगे लेकिन ये किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे अपनी बातों से। ऐसे व्यक्तियों को रोगों की बात की जाए तो मानसिक रोग होने की बहुत संभावनाएं होती है, जिनका बुध कमजोर होता है या बुध पीड़ित होता है या दूषित होता है शनि राहु से या मंगल से। अगर बुध अगर पीड़ित या दूषित है तो ऐसे लोग मानसिक रोगों से पीड़ित रहते हैं, पागलपन हो, सनकीपन हो, कोई झक्कीपन हो, किसी प्रकार का मिर्गी के दौरे हो, मूड का फ्लक्चुएशन हो, मूड जो स्विंग करता रहता हो जिसका बार बार, सिज़ोफ्रेनिया हो, किसी भी प्रकार का जो दिमागी बीमारी हो, पागलपन हो, भ्रम हो, अवसाद हो, बहुत बहुत बड़े लेवल का डिप्रेशन हो, ऐसे लोग समझिए कि बुध कमजोर है, बुध को स्ट्रांग करना बहुत आवश्यक है। सिर दर्द हो, माइग्रेन हो। एक चीज और मैं बता दूं कि जिनका बुध कमजोर होता है उनकी लाइफ में कभी न कभी मिसकैरेज जरूर होते हैं। बच्चा जिनका कोख में ही जिनके बच्चे मर जाते हैं या मिसकैरेज जो होते हैं, बुध कमजोर होने का बहुत बड़ा लक्षण है, ये बात आप समझ के चलिए। ऐसे व्यक्ति के अपने पेट में बात नहीं टिकेगी, आप उसको कोई भी राज की बात नहीं बता सकते, जिसका बुध कमजोर हो उसको आप राज की बातें मत बताइए कभी भी। ऐसे व्यक्ति के पेट में बात नहीं टिक सकती, वो किसी न किसी को बताए बिना रह ही नहीं सकते, उनके पेट में दर्द होने लग जाएगा। बेशर्म होगा। अब इसका तो मैं क्या व्याख्या करूं, इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं आपके सामने। बेशर्म होगा, शर्म नहीं होगी ऐसे व्यक्ति में जिसका बुध कमजोर है। हया, लाज, लज्जा जिसके अंदर नहीं है वो उसका बुध कमजोर है। खुद भी आप समझिए, किसी भी लेवल पे समझिए इस बात को, उसके अंदर शर्म वर्म कोई नहीं होगा ऐसा। अपने ही धर्म की निंदा करने वाला होगा, जिस धर्म में उसने जन्म लिया है, जिस कल्चर में, जिस कन्वेंशन में उसने जन्म लिया है उसी की वो निंदा करेगा, उसी के खिलाफ जाएगा। अगर बुध पीड़ित है या बुध खराब है तो जिस रिचुअल्स में, जिन चीज़ों में, जिन संस्कारों में, जिस संस्कृति में उसने जन्म लिया है, जिसमें उसका परिवार पूरा जिसका पालन करता रहा हो, वो उसका पालन नहीं करेगा जिसका बुध गड़बड़ है। ऐसे व्यक्ति जिसका बुध गड़बड़ है उसकी बहनों को दुख होगा, उसकी बहनें दुखी रहेंगी, बहनों को दुख होगा। बुध खराब होगा तो भाई उसको दुख देंगे लेकिन उसकी बहनों को दुख होगा। बहनों के लिए इतना अच्छा नहीं है बुध का खराब होना, बहनें पीड़ित रहेंगी। इस प्रकार से लगभग मैंने सारे टॉपिक, मैंने सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं बुध के परिणाम, बुध के बुरे परिणामों के। ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा हो बुरा लिखिए, क्यों लगा उसका कारण लिखिए, उसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, सर्वज्ञाता नहीं हूँ, जितना मुझे समझ आता है मैं उतनी बात करता हूँ, डंके की चोट करता हूँ, जितना कहूँगा उतना सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। मैं पंडित अखिलेश सुधीर जी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे बहुत सुखी।